नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे किचन में। तो दोस्तों, आज बनाएंगे सहजन की सब्जी, वो भी सरसों की ग्रेवी वाला, जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। साथ ही सहजन का बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने लिया है 300 ग्राम सहजन की फली, और इस सहजन की फली में बहुत ज़्यादा भी रेशा नहीं आया है दोस्तों, हल्का फुल्का आया है। तो उसको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू को लंबे लंबे आकार में काट लिए हैं, और हम यहाँ पे डालेंगे दो टमाटर। तो चलिए सबसे पहले मसाले को तैयार कर लेते हैं। यह है एक प्याज, दो चम्मच यहाँ सरसों का लिए हैं दोस्तों, 10-12 लहसुन की कलियाँ, एक छोटी चम्मच जीरा, तो सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो सबसे पहले हम आलू को ऐड करेंगे। आलू थोड़ा अपना हाफ फ्राई हो चुका है, तो हम अब डाल देंगे सहजन की फली को। आलू और सहजन की फली दोस्तों अच्छे से भून चुका है यहाँ पे, तो इसे हम निकाल लेते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे तेल ऐड करेंगे। तो अब डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच हम पचफोरन का ऐड करेंगे, 3-4 हरी मिर्च को हमने बीच से चीरा लगा दिया है, पीसे हुए सरसों वाले मसाले, यहाँ पर दोस्तों इस सरसों वाले मसाले को लगभग 5 मिनट हम धीमी धीमी आंच में इसे हम भुनेंगे, तब जाके ये परफेक्ट तैयार होगा। ये सरसों वाली मसाला अच्छे से भून चुका है दोस्तों, तो ऐड कर देंगे 2 टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटी चम्मच भर के हम यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर दोस्तों टमाटर अच्छे से गल चुका है, और मसाले से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो अब ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ सहजन और आलू। सहजन, आलू और मसाले को हम यहाँ पे 2 मिनट साथ में भुनेंगे दोस्तों। 2 से 3 मिनट हो चुका दोस्तों मसाले के साथ भुनते हुए, और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है दोस्तों। तो हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहेगा, थोड़ा सा थिकनेस वाली रहेगा, तो हम यहाँ इतना पानी ऐड करेंगे। तो फाइनली इसे ढक देंगे, और अच्छे से उबाल आने तक इसे हम कुक करेंगे। तो दोस्तों उबाल आने के 5 से 6 मिनट तक इसे हम ढक के अच्छे से कुक किए हैं, और ये एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है दोस्तों। तो ये आलू को चेक करते हैं, ये बहुत बढ़िया से कुक हो चुका है दोस्तों आलू, और हमारा सहजन भी हो चुका है। ब्यूटीफुल लुक एट दिस फ्रेंड, है ना लाजवाब। आप चाहे दोस्तों तो इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें इसकी ग्रेवी जो है एकदम गाढ़ी गाढ़ी पसंद है, इसलिए हमने सरसों वाली ग्रेवी को एकदम गाढ़ी गाढ़ी रखा है। सुपर दोस्तों, बेहतरीन। तो फाइनली दोस्तों रेडी है अपना सहजन की एकदम गाढ़ी गाढ़ी सब्जी, जो कि यदि आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाते हैं तो एकदम मज़ा आ जाएगा, है ना लाजवाब।
सो आज का ये बेहतरीन रेसिपी दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, वेरी वेरी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सा डिलीशियस सुपर हेल्दी रेसिपी के साथ दोस्तों। टेक केयर, गुड बाय, जहाँ रहिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।